इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 14, असाइनमेंट नंबर 3, सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14, 0 से π/4 टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो पाई का मतलब क्या था, कितने कितना एंगल, 360 डिग्री बाई 2, 2π का मतलब 360, पाई का मतलब 180, क्योंकि ये पाई बाय 4 है तो 180 बाय 4 कितना हो गया, 45 डिग्री। तो मन में याद रखना पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। तो इसके अंदर टैन स्क्वायर की इंटीग्रेशन लास्ट टाइम हमने की थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा 0 से लेके पाई बाय 4। तो इसको ओपन करते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1 डी थीटा फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय 4, 0 से लेके पाई बाय 4। सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन टैन थीटा 0 से लेके पाई बाय 4, 1 डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेके पाई बाय 4। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है? ऐसे किया था हमने, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेना है, ब्रेक करके लिमिट साथ लगेंगी। नेक्स्ट है इसमें, तो नेक्स्ट इसके अंदर टैन ऑफ एंगल की जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार एंगल की जगह लोअर लिमिट, माइनस थीटा की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट। टैन ऑफ पाई बाय 4 यानी कि टैन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, 1, टैन 0 क्या होता है, 0, माइनस पाई बाय 4। तो ऐसी छोड़ दो, 1 माइनस पाई बाय 4 इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ऐसे ही आंसर आएगा, ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहां तक? तो ये इंटीग्रेशन तो लास्ट टाइम कर ली थी हमने, पर लिमिट्स के साथ नहीं की थी, तो इस बार लिमिट्स के साथ है, ठीक? ठीक है, चलो का आंसर आ गया था, आ गया था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे हमने क्वेश्चंस किए थे, एक्सेलेरेशन अगर t/t+2 है तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो कैसे किया था, तो अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू इसमें कितनी है, t+2 है, तो क्या सिखाया था, पर एक्सेलेरेशन से इंटीग्रेशन से क्या निकलेगी, पहले वेलोसिटी, और वेलोसिटी से क्या निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे, dv/dt इज इक्वल टू t+2, तो dv इज इक्वल टू t+2 इंटू dt। इसे दोनों तरफ से क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो t+2 इंटू dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv और t dt प्लस 2 कॉन्स्टेंट है 1 dt। तो इसकी इंटीग्रेशन v, इसकी इंटीग्रेशन t²/2, इसकी इंटीग्रेशन 2t, ये लो ये वैल्यू आ गई। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई इसमें t²/2+2t, तो वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt इज इक्वल टू t²/2+2t। तो यहां से dx इज इक्वल टू t²/2+2t इंटू dt। तो इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t²/2 dt प्लस 2t dt, कुछ ऐसे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट आ गया, t²/dt प्लस 2 बाहर आ गया, t dt ऐसे। तो x विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू t³/3 प्लस 2 इंटू t²/2 आंसर। तो कितने लोगों का आंसर आ गया था, आ गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है।
नंबर 16 कितने लोगों ने सॉल्व किया और आंसर क्या है इसका? -10/3। कितनों को डाउट है? नहीं आया, हाथ खड़ा कर सकते हो, मैं सॉल्व करूंगा। -10/3 आ गया, डाउट है? ओके, -10/3। ये देखो, तो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx फ्रॉम -1 to -2। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx फ्रॉम -1 to -2, -1 to -2। तो इसकी इंटीग्रेशन x³/3 -1 to -2 और इसकी इंटीग्रेशन x -1 to -2। एक बार x की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर? -2/3। एक बार क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे ऐसे, ये लो प्लस। एक बार x की जगह -2 और -1। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा, सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17, VdV की इंटीग्रेशन क्या आंसर आया इसमें? y² / 2 - x² / 2। ऐसा आया, कोई डाउट इसमें? हमने लास्ट टाइम किया था, VdV की इंटीग्रेशन क्या थी? v² / 2, फिर लिमिट पुट की थी हमने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कितने लोगों को डाउट है? हाँ, डाउट होगा इसमें। देखो तो क्वेश्चन नंबर 18 में 1/4πε₀ q1 q2/r² dr, कहां से कहां तक? r₁ से लेके r₂ तक। देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू छोटा r है, तो छोटे r की इंटीग्रेशन होगी, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सब कॉन्स्टेंट्स हैं और कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंट है इसका नाम है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इसका नाम है EPSILON, प्रोनाउंसिएशन एप्सिलॉन, प्लस टू में यूज करते हैं इसे, एप्सिलॉन नॉट, जीरो को नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस टू का काम है, इसकी वैल्यू होती है 8.8 × 10^-12। आपको नहीं चाहिए, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये पूरी की पूरी टर्म कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन स्मॉल आर के साथ है, तो क्यू के साथ तो है नहीं, तो ये भी बाहर आएगा। तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, 1/4πε₀ q₁ × q₂ इंटीग्रेशन ऑफ r² dr r₁ से लेके r₂ तक। तो नेक्स्ट है 1/4πε₀ q₁ × q₂, इसकी इंटीग्रेशन r²-2 dr, कहां से कहां तक? r₁ से लेके r₂ तक। 1/4πε₀ q₁ × q₂, इसकी इंटीग्रेशन r²-1/-1 r₁ से लेके r₂ तक। माइनस कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के 1/4πε₀ q₁ × q₂ 1/r r₁ से लेके r₂ तक। और फाइनली इसके अंदर क्या करेंगे? फाइनली -1/4πε₀ q₁ × q₂, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। क्या इस स्टेप सबको क्लियर है? ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन तो है जैसे gm₁ m₂/x² किया था लास्ट टाइम हमने, इसमें बस ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, बाकी तो एज इट इज ही चल रहा है जैसे कर रहे थे। तो कितनों को डाउट है इसमें? क्लियर है? डाउट है? ये कांस्टेंट है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? इन कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेना है। 1/r² क्या है? r²-2। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? r²-1/-1। माइनस बाहर आ गया, क्या बचा? 1/r। एक बार r की जगह अपर लिमिट r₂, एक बार r की जगह लोअर लिमिट r₁। तो क्या बनेगा? 1/r²-1/r₁, बस दैट्स इट, ठीक है यहां तक? तो ये इसका आंसर है। ठीक,
ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको ये गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स डी एक्स कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 से लेके 2 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 से लेके 2 तक, क्यू कॉन्स्टेंट x dx 1 से लेके 2 तक। देखो मैंने कांस्टेंट क्यों निकाला, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x की फैमिली की टर्म ही अंदर रहेगी, बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो यहां से क्या आएगा, x क्यूब बाय 3, p तो चलो बाहर चल ही रहे, 1 से लेके 2 तक, और यहां पर क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, 1 से लेके 2 तक। तो p इनटू एक बार अपर लिमिट 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना, 3, 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ऐसी q इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आंसर सॉल्व कर लेना, इसे p और q की फॉर्म में आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कृतिका क्लियर? ठीक है कृतिका, समझ में आ रहा है? हेलो सर, मैं ऑडिबल? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कितना, पाई बाय 2, पाई बाय 2 होता कितना है, 90 डिग्री, पाई 180 बाय 2 90, 5x प्लस कॉस ऑफ 2x dx। इसको ब्रेक कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x dx 0 से लेके पाई बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx 0 से लेके पाई बाय 2। साइन की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस, डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 5x में क्या बचेगा, 5। 0 से लेके पाई बाय 2 प्लस कॉस की इंटीग्रेशन क्या थी, साइन एक्स, डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या बचेगा, 2। 0 से लेके पाई बाय 2। ये स्टेप सबको क्लियर है? तो आपने पहले ब्रेक किया, फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन की, डिवाइड बाय 5, इंटीग्रेशन की डिवाइड बाय 2। अब x की जगह लिमिट पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, आंसर आएगा इसमें। तो इसके अंदर लिमिट्स पुट कर लेते हैं, माइनस 1 बाय 5, तो देखो मैं कांस्टेंट बाहर ही निकाल लेता हूं, तो कॉस ऑफ क्या बचेगा, 5 इंटू एक्स की जगह क्या, पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 0, 1 बाय 2 बाहर आ गया, साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ 0। मुझे क्वेश्चन यहीं तक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे जो वैल्यूज हैं 5 पाई बाय 2 या पाई, ये मैंने आपको करवाई नहीं अभी, इसके लिए मेरे को आपको ट्रिग्नोमेट्री करवानी पड़ेगी, अगले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा थोड़ी सी, जिसमें हम जब एंगल 90 डिग्री से ऊपर आते हैं 270 या 5 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो इसी के साथ हमारी इंटीग्रेशन क्या होती है, खत्म।